गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंडियन निटिंग कंपनी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सिंगल कलर की ऊन से निटिंग का पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सिलाई पर 8 के मल्टीपल से 29 फंदे डालने हैं। 8 + 8 + 8 24 प्लस 3 एक्स्ट्रा प्लस 2 एज के, तो 24 प्लस 3 27 प्लस 2 29 फंदे डालिए। मैं ये मेरी फर्स्ट रो है, राइट साइड पहला फंदा मैं स्लिप कर दूंगी। पहला फंदा मैंने स्लिप कर लिया, अब 3 फंदे उल्टे, ठीक है। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 5 फंदे सीधे। ये यहाँ से यहाँ तक 5 3 8 हो गए ना, वापस रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड्स। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 1 एज का है उसको हम सीधा बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, 3 उल्टे 5 सीधे 3 उल्टे 5 सीधे। सेकंड रो में है फ्रेंड्स, फर्स्ट फंदा मैं उतार लूँगी, स्लिप कर लूँगी, और जो उस तरफ उल्टे बने थे 3 फंदे, ये इस तरफ उल्टी तरफ, सेकंड रो रॉन्ग साइड, 3 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 फिर 3 फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे, पूरी सिलाई करके मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम हमारे थर्ड रो में आ गए। फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे, ठीक है, फिर 3 फंदे उल्टे राइट साइड में, 1 2 3। अब ये जो 5 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, इनमें फर्स्ट के 2 फंदे हैं ना, फर्स्ट वाले 2 फंदे उनको एक साथ बनेंगे। फर्स्ट वाले को यूँ ट्विस्ट कर दिया और बैक लूप से 2 का 1 बना दिया, दिख रहा है। फिर 1 सीधा, फिर ये 2 बच गए, इन 2 को आगे आज आगे से 2 का 1 बना दिया, 5 के 3 कर लिए। फिर 2 उल्टे, थर्ड रो देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार और। ये 5 फंदे, उसमें से फर्स्ट फंदे को मैंने यूँ घुमाया और यूँ नीडल पे लेके बैक लूप से 2 का 1 कर दिया, फिर 1 सीधा, फिर इन 2 को एक साथ आगे से 2 का 1 कर दिया, यानी 5 के 3 कर लिए। फिर 2 3 उल्टे, 1 2 3 फिर ये इस फंदे को घुमाया और इस नीडल में लिया और बैक लूप से हमने 2 का 1 बना दिया। फिर 1 सीधा, फिर यहाँ से सीधी तरफ से 2 का 1, 5 के 3 कर लिए। फिर ये 3 उल्टे और लास्ट वाला एज का सीधा बना लेंगे। ये हमारे थर्ड रो गए फ्रेंड्स। फोर्थ रो में आ गए, फोर्थ रो में फ्रेंड्स एक फंदा उतार लिया, फिर 3 फंदे सीधे, ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 उल्टे, 3 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे, इस तरह से पूरी रो बनाकर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 सिलाई निकाली, रो 5 5वीं सिलाई में आ गए। फर्स्ट फंदा तो मैं स्लिप कर दूंगी, ठीक है,
और दो तीन फंदे उल्टे बुन लूंगी, एक ये सिलाई थोड़ा ध्यान से देख के दो, और तीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो मैंने तीन फंदे हैं ना सीधे, इसको मैं राइट नीडल में ले लूंगी। राइट नीडल में लेकर ये जो लास्ट वाला फंदा है ना, इसको इन दो के ऊपर से उतार दूंगी। बुनना नहीं है, खाली उतारना ही है। वापस ध्यान दीजिए, फिर तीन उल्टे, फिर ये एक दो तीन राइट नीडल में ले लिए, और ये लास्ट वाला फंदा है इसको इस दो के ऊपर से उतार दिए, बुनना नहीं है। फिर आगे चलते हैं, फिर तीन उल्टे, फिर ये तीन सीधे, इनको राइट नीडल में लेकर लास्ट वाले फंदे को इन दो के ऊपर से उतार दिया। इस तरह से पूरी सिलाई करके मिलते हैं। पांच रो बना ली, छठी रो में आ गए हैं। ये मैंने एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर ये एक बनाया, दो फंदे सीधे बनाए। ठीक, अब इन दो फंदों को एक साथ बना लेंगे। ठीक है, फिर इन दो फंदों को एक साथ बना लेंगे, फिर एक सीधा बना लेंगे, तीन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फिर फ्रेंड्स देखिए आप, इन दो को एक साथ बना लेंगे, इन दो को एक साथ बना लेंगे, एक सीधा, फिर इन दो को एक साथ बना लेंगे, दो को एक साथ बना लेंगे, और एक सीधा। ठीक है, और ये दो सीधे हैं ही फ्रेंड्स, ये एज का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई है सिक्स सिलाई। अब सिक्स रो बनाने के बाद सेवन्थ रो में आ गए। एक फंदा स्लिप कर लिया, दो उल्टे बना लिए, तीन उल्टे बना लिए, एक दो तीन शुरू के तीन उल्टे चले रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बीच का होल है ना, ये दिख रहा है, इस बीच के होल में हमें ऊन, तो पहले ऊन हम पीछे ले गए। ठीक है, और इस बीच के होल में लंबा लूप निकालेंगे, एक, फिर धागा आगे लिया, दो, फिर ये तीन, फिर धागा आगे लिए, ये चार, ये एक बार और निकालेंगे, पांच, पांच फंदे बना लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर वापस तीन उल्टे, एक दो तीन उल्टे, फिर धागा पीछे लिया, और ये सेंटर का फंदा है ना, सेंटर का, इसके सेंटर बीच वाले होल में, बीच वाले होल में हम लंबा लूप ना करेंगे, एक, ये धागा आगे किया, दो, ये तीन, एक बार आगे आगे की चार, एक बार इसमें वापस डाला उसी होल में, सेम होल में, ये पांच हो गए। देखिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ मैं आपको, एक एक दो तीन चार पांच। ठीक है, एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, एक दो ये तीन। ठीक है, धागा पीछे के उनको पीछे किया, ये बीच वाला सेंटर वाला होल है, इसमें मैंने ये सिलाई डाली, एक लंबा लूप ना का, एक, फिर इधर धागा आगे लिया, ये दो, ये वापस डाली सिलाई इसमें, ये बनाया तीन, ये आगे लिया चार, एक और वो डाली, पांच फंदे बना लिए सेम होल में से, फिर तीन उल्टे और एक एज का सीधा। ये हमारी सातवीं सिलाई हो गई फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आठ सिलाई का पैटर्न है, ये हमारी आखिरी सिलाई है, आठवीं सिलाई। ठीक है, इसके लिए मैंने पहला फंदा तो उतार लिया, पहला फंदा उतार लिया। अब ये एक दो तीन फंदे सीधे, और पांच ये लूप निकाल के बना के ना, इनको हम एक एक को अलग अलग करते हुए उल्टा बुन लेंगे, एक दो
चार, ये पांच, पांच उल्टे तीन सीधे, एक दो तीन, फिर ये पांच लूप वाले हैं ये उल्टा बन लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, एक दो, ठीक है, पांच उल्टा बन के फिर तीन सीधा बन के पूरी सिलाई करके मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आठ सिलाई में इस तरह से पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। यही आठ सिलाई हम अब नेक्स्ट पैटर्न के लिए हम रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट पैटर्न की फर्स्ट रो है वो बता देती हूँ एक बार आपको। एक तो एज का उतार लिया, फिर तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर पांच सीधे, एक दो तीन चार पांच सीधे, ठीक है, फिर तीन उल्टे, पांच सीधे तीन उल्टे, जैसे फर्स्ट रो होती ना वैसे ही, तीन उल्टे पांच सीधे पूरी रो करके, और थोड़ा बुन कर मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे डिज़ाइन का फाइनल लुक ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर लगता है, किसी भी प्रोजेक्ट में डालें, कार्डिगन में डालें, बच्चे के स्वेटर में डालें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। कितना सुंदर लग रहा है।